फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझें। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, हमें अपने लाइफ में कई बार इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहाँ हम कहते हैं हकीकत तो ये है या सच बात तो ये है। तो फ्रेंड्स, जब हमें कहना हो हकीकत तो ये है या सच्चाई तो ये है या सच बात तो ये है, तो आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो हकीकत तो यह है कि वह मुझे धोखा देना चाहती थी, तो आप कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सी वॉन्टेड टू चीट मी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो हकीकत तो यह है कि उसने कभी मुझे प्यार नहीं किया, तो आप कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सी नेवर लव्ड मी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो हकीकत तो यह है कि तुम सब कुछ अच्छा से जानते थे, तो आप कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू न्यू एवरीथिंग वेरी वेल। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो हकीकत तो यह है कि आप मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू डोंट बिलीव मी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो हकीकत तो यह है कि मैं उसके लायक नहीं या मैं उसके काबिल नहीं, तो आप कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट डिजर्व हर। अगर आपको कहना हो हकीकत तो यह है कि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू डोंट वर्क हार्ड। अगर आपको कहना हो कि हकीकत तो यह है कि आप सभी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं या षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आप कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू ऑल आर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट मी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो हकीकत तो यह है कि आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू डोंट शेयर माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो जहाँ आप कहना चाहें हकीकत तो ये है, सच बात तो ये है या सच्चाई तो ये है, आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया तो क्या आप इस टॉपिक पर 3 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 3 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि ये सही यूज था या नहीं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।